ये कहते हैं कि कभी तो ये कहते हैं हमको कि भाई मेरे को वोट दो तो हम आपको ये दे देंगे, कभी इधर वाले कहते हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा किसी की, लेकिन आप समझते हो, कभी ये कहते हैं कि आप हमें वोट दो तो हम आपका भला करेंगे, कभी ये कहते हैं आप ये कहो कि तुम दोनों मिलो और हमें वोट दो। भाई 20-21% या मैं कहना चाहिए 20-21% वाल्मीकि है हमारे, नकली झाड़ू वाला सीएम, असली झाड़ू वाला सीवर में मर रहा। दिल्ली पुलिस में रिश्वत लेता हुआ पुलिस वाला मर जाए 1 करोड़, राजस्थान का कोई किसान सुसाइड कर ले 1 करोड़, कोई मिलिट्री वाला यूपी में मर जाए 1 करोड़, और जो यहाँ झाड़ू वाला मर रहा उसको क्या दे रहे भी? और हम सारे उनके पीछे लग रहे। हमने कभी मांगा हमें क्यों नहीं 1 करोड़? हम कौन सी देश की सेवा नहीं कर रहे? बिल्कुल, हम कोई बांग्लादेश की सेवा कर रहे? हम भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है 2 रोटी है, दाल मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए बस हमारी। अरे दाल रोटी क्यों मिले, हमारा सीएम हाउस पर कब्जा क्यों ना हो? आप ये सब मेरे को सुन रहे हो कि मैं यही बोलेंगे? भाई मैं नहीं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं पीछे रहूँगा, आप कहो मैं भी बोलूँगा। हमारे अंदर जब तक इच्छा नहीं जागेगी जब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम हमेशा ये कहते नहीं मेरा बड़ा भैया जो ये कह देता, अरे ये क्यों कह देता, मैं भी जवान हो गया हूँ, ये बोलो ना मैं भी बोलूँगा। भाई जब मैं अलग कपड़े पहनता हूँ, अलग खाना खाता हूँ, है नहीं आपके सब? अभी कई कई लोगों ने कहा मुझे वैसा अच्छा नहीं लगा जब आपने नाम लिया संदीप वाल्मीकि, ये वाल्मीकि, अरे वाल्मीकि बन के रहेंगे क्या? अभी कल परसों कहीं आ रहा था एक, मैंने छोटी जी देखा था कि हमें धोबी घाट चाहिए, अरे मैं धोबी घाट क्यों चाहिए, हमें राजपाट क्यों नहीं चाहिए? हम धोबी घाट में लग रहे हैं, धोबी घाट चाहिए हमको कपड़े धोने, कपड़े तुम धो लो भाई, हम तो वॉशिंग मशीन में धो लेंगे, हमें धोबी घाट नहीं चाहिए, हमें राजपाट चाहिए। गलत कह रहा हूँ मैं? बहुत बढ़िया, हमें क्यों चाहिए? हम इतने पे राजा, हमें धोबी घाट चाहिए, हमारा जमुना पे धोबी घाट चाहिए, हमें क्यों चाहिए? धोबी घाट में वॉशिंग मशीन ले लेंगे, हमें राजपाट चाहिए। चमार 20% है यहाँ पे, वाल्मीकि 20-21% है, दोनों मिल जाए तो 40% हो जाते हैं, और 30% में तो सरकार बन रही भारत सरकार, और हम कभी इधर जा रहे हैं कभी। दिक्कत क्या आती है, अगर ये बनेंगे तो मैं इनकी टांग काट दूंगा, मैं ये बनेंगे तो, लेकिन मैं दोनों का गुलाम बनकर रह लेता हूँ। जैसे पुलिस वाले दोनों को थप्पड़ मार देता और हम चुप हो जाते हैं, लेकिन हम आपस में नहीं समझौता करते। वो उनके साथ में सुभाष जी बैठे, सुभाष जी के साथ में मैं छोटा बन जाऊंगा तो क्या दिक्कत आएगी? मैं इनके साथ भी तो छोटा ही हूँ। तो हमारा तो एक मकसद ये है, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स तो आप लोग करिए, हम तो पीछे रहने वाले हैं, लेकिन रहेंगे तब भी साथ ही, ऐसा नहीं है। देखिए हर आदमी ना पॉलिटिक्स कर सकता है ना हर आदमी नौकरी कर सकता है, नौकरी करने वाला चाहिए ताकि उसको जो ना मैनेज तो करेगा। भाई पैसे कौन देगा आपको? पैसे तो नौकरी वाले देंगे जो कमाएगा। जो बच्चा घर से बाहर निकलेगा वो सारे दिन घूमता रहेगा साइकिल लिए हुए, उसको पैसे कौन देगा? साइकिल में बच्चे कौन लगवाएगा? तो वो भी चाहिए। मेरा एक भाई था, भाई था क्या है, कल्याणपुरी में, अगर कोई कल्याणपुरी साइड का हो तो मेरे ताऊ का लड़का बड़ा अच्छा, उसका जूते का शोरूम है। वो ये कहते हैं कि एक घर में इनकम टैक्स वाला भी होना चाहिए, एक सेल टैक्स वाला भी होना चाहिए, एक पुलिस वाला भी होना चाहिए, और तो और एक पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, कहला एक बदमाश भी होना चाहिए, तभी तो लोग डरेंगे। भाई सारे हम सब जगह क्यों नहीं होने चाहिए? हम एक ही पेशे को क्यों अपना रहे? काफ़ी बड़े बड़े वक्ता हैं, थैंक यू, आप शुरू कीजिए।